अर्जुन सर्वभूतानां यत् अपि बीजं तत् अहम्। और हे अर्जुन, सब प्राणी मात्र का जो भी बीज है वह मैं हूँ। तत् चराचरं भूतं न अस्ति यत् मया विनाश्यात्। वैसा चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे से रहित हो। परंतप मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः न अस्ति। हे शत्रुतापक, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। एष विभूतेय विस्तरा तु मया उद्देश्यतः प्रोक्ता। यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। च अर्जुन सर्वभूतानाम यत् अपि बीजं तत् अहम्। तत् चराचरं भूतं न अस्ति यत् मया विनाश्यात्। परंतप मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः न अस्ति। एष विभूतेय विस्तरा तु मया उद्देश्यतः प्रोक्ता। भावार्थ, और हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पितारूप बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप में हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार अर्थात जगन्नाथ अर्थात विश्वनाथ से रहित हो। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। मुरली, तारीख 11 अप्रैल 1974, पृष्ठ 3 अंत। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगमयुग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थानुसार प्राणियों की जड़ देहरूप यंत्रों को चलाती है। हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। शास्त्रकारों ने मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में ढकेल दिया। 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे नहीं है, वास्तव में इस दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं वो सभी प्राणी जो भाव स्वभाव और कार्यशैली व्यक्त करते हैं वो सारी कार्यशैली भाव स्वभाव इस मनुष्य सृष्टि के बीज में समाये हुए हैं। वो एक ही मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य आत्माओं का बीज। जो 84 लाख योनियों का आचरण करता है, कोई न कोई जन्म में कहीं न कहीं बाकी सभी मनुष्य आत्माएं ऐसा नीचते नीचे व्यवहार नीचते नीचे स्वभाव धारण ही नहीं कर सकती। क्योंकि वो एक ही आत्मा है। जो नीचते नीचे पार्टी भी बजाती है और ऊंचते ऊंचे पार्टी भी बजाती है। परमपिता शिव की मत पर प्रैक्टिकल जीवन में योगी बन करके योगीश्वर कही जाती है।
जिसे योगीश्वर है शंकर कहते हैं। बाबा ने मुरली में कह दिया इस दुनिया में जो भी चीज है वो तेरे पर पहले लागू होती है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। अरे वृक्ष का बीज होता है, उस बीज में पत्ते समाये हैं कि नहीं समाये? समाये हुए हैं। उस बीज में फल समाये हुए हैं या नहीं समाये हुए? फूल समाये हुए हैं या नहीं समाये? टहनियां हैं या नहीं है? सब कुछ, सारे वृक्ष का सार उस बीज में समाया हुआ। तो अमीबा हो गया, आ माने नहीं, मी माने मुझको, वाह माने वाह, वाह मेरे सिवाय और कुछ है। और गीता में भी क्या कहा? गीता में भी भगवान ने क्या कहा? मैं इसमें ये श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ हूँ, और कुछ दुनिया में है ही नहीं। जो जितने अभी विचारी है, एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों के, जितने अभी विचारी मन बुद्धि से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, उतनी उनको पावर योग बल की जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे? किससे मिलती रहती? शिव ज्योति बिंदु निराकार से है? कौन सी पावर चाहिए? ज्ञान चाहिए 84 जन्मों में 63 जन्मों में, या वो जिसे ऊर्जा कहते हैं है? जैसे ये करंट है ना, है ये यंत्र है, ये तो उन यंत्रों में करंट आता है तो यंत्र काम करता है। तो ये शरीर क्या है? ये भांति भांति के जो शरीर हैं, ये क्या है? भांति भांति की योनियों के जो समुदाय हैं, उनके जो शरीर हैं वो क्या हैं? यंत्र है ना। तो वो यंत्र कैसे चलते हैं? वही योग की ऊर्जा, वही पावर किससे मिलती है? जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे मिलती है? किससे मिलती है? वो योग के एक भंडारी से, जिसे योगेश्वर कहा जाता है। क्या? अब भक्ति मार्ग में उन्होंने 3-3 योगेश्वर दिखाई दिए है। पर दुनिया के जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं, उनका भी नाम रख दिया ज्ञानेश्वर है, योगेश्वर। अरे इस दुनिया में योगेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानियों की ईश्वर कहां से आ जाएंगे? ज्ञानियों का ईश्वर तो एक ही अखूट ज्ञान का भंडारी है, जो जन्म मरण के चक्र में क्या नहीं आता है, वो तो सदा शिव है। क्या? सदा निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है, और अगर्भा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाली भोगी आत्माएं हैं, उनको फिर वो योग का जो भंडार है, योग की ऊर्जा है, कहां से मिलती है? है? जरूर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई वो भंडार है, योगीश्वर जिसे शास्त्रों में कहा गया है।